नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज। आज उसका प्रथम भाग है। संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सारों को हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके इस सीरीज़ के बारे में अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, और साथ में अपने हिंदी साहित्य इतिहास का अवलोकन भी करते रहें कि कितना क्या आपके मनोमस्तिष्क में है अभी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज़ के प्रथम प्रश्न से। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका कथन है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साथ साथ से जब भी प्रश्न बोला जाए, अपने मनोमस्तिष्क में इन विकल्पों को देख के आप भी अंदाज़ा लगाएं कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? वो करने वाले थे कौन? गारसादे तासी। आपके ऑप्शन में शुक्ल आ सकता है, ग्रियर्सन आ सकता है, सेंगर आ सकता है। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इस नाम के ग्रंथ का लेखन किसने किया था? विजेंद्र स्नातक ने, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने और डॉक्टर विनय मोहन ने। किसने किया था? जोर लगाइए थोड़ा दिमाग पे। तो इसका किया था डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये जो विकल्प में चार पुस्तकें दी है, इनमें से कौन सी नहीं है? जब भी आप परीक्षा में पेपर दे रहे होते हैं, विकल्पों को, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। पहला विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका। अब हमें तीन का पता है तो चौथी अपने आप हो जाएगी। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं की है, हजारी प्रसाद जी की। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी इन्हीं की है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी इन्हीं की है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर? रीति काव्य की भूमिका, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? रीति काव्य की भूमिका। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा? शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था। और हमारा प्रश्न, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 50 में, 1873 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में और 1883 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1883 ईस्वी। छठा प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? क्या कर्नल टोड है, गार्सा दत्तासी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है या फादर कामिल बुल्के हैं? तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा था। आचार्य शुक्ल ने एक नामकरण किया था, तो वो किस काल का नामकरण किया था जो सबसे ज़्यादा विवाद के अंदर रहा था? क्या वो आदिकाल था? क्या वो उत्तर मध्यकाल था? क्या पूर्व मध्यकाल था? क्या आधुनिक काल था? कौन सा था? आदिकाल। आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद रहा था। आठवां प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? क्या राहुल सांकृत्यायन लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा? कौन सा विकल्प हो जाएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। आगे देखते हैं,
इनमें से जो ये चार प्रवृत्तियां चार विकल्प है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किस किया गया नामकरण कौन सा है, इनके अंदर कौन से काल का नाम प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है? तो क्या रीतिकाल का किया गया, आदिकाल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल? किसका किया गया? रीतिकाल का। जो रीतिकाल था उसका नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया गया था। दसवां और आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की कक्षा का। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? अलंकृत काल किसने कहा रीतिकाल को? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या मिश्र बंधुओं ने? किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने संज्ञा दी थी रीतिकाल को अलंकृत काल की। ये थे दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 10 प्रश्न। आगे की टेस्ट सीरीज में हम 20, 30, 40 इससे ज़्यादा भी प्रश्नों का संकलन कर सकते हैं। अपनी राय देवें कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके।